अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन इज अ प्रोसेस इन विच हाई एनर्जी रेडिएशन और पार्टिकल्स सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर फॉल्स ऑन अ टारगेट न्यूक्लियस एंड देन टारगेट न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू द डॉटर न्यूक्लियस एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रेज और सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। The nuclear transmutation is classified in four types, in four different categories. First one is nuclear transmutation by photons and nuclear transmutation by protons, nuclear transmutation by alpha particles and nuclear transmutation by neutrons. In this lecture, we discuss two categories of nuclear transmutation. First one is nuclear transmutation by photons and second nuclear transmutation by protons. And the further two categories is discussed in the next lecture. Outlines हमारे lectures की हम देखते हैं कि आज के lectures में जो है वो हमने क्या कुछ read करना है। सबसे पहले हम nuclear transmutation by photons देखेंगे, exception क्या है, इसकी uses क्या है, gamma neutron photo reaction देखेंगे, gamma proton photo reactions देखेंगे एंड गैमा टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फोटो रिएक्शन देखेंगे, ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स पढ़ेंगे, उसमें फर्दर उसकी पढ़ेंगे टाइप्स में प्रोटॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसकी एग्जांपल्स प्रोटॉन न्यूक्लियर प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, प्रोटॉन गैमा न्यूक्लियर रिएक्शंस इनकी जो है वो एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस इनकी एग्जाम्पल्स जो है वो देखेंगे। तो ये सारे जो हैं रिएक्शंस और विद एग्जांपल्स जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। असल में टू टाइप्स ही हम पढ़ेंगे ट्रांसमुटेशन की, जिसमें फोटॉन्स और प्रोटॉन्स है, उसमें फर्दर उसकी डिविजन्स की गई है क्लासिफिकेशन डिफरेंट रिएक्शंस में, जो आपके पास प्रोडक्ट में न्यूक्लियस या प्रोटोन या न्यूट्रॉन आता है, ठीक है, आफ्टर रिएक्शंस उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी टाइप्स में क्लासिफिकेशन की गई है उसकी रिएक्शंस की, उसको हम फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास होते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, यानी कि जिसमें हम टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर हाई एनर्जी जो रेडिएशंस या फिर पार्टिकल जो हमारे पास होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी उनको फॉल करवाते हैं और फिर वो टारगेट न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हम उसको करते हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई में, ठीक है, या विद द मिशन ऑफ अल्फा बीटा या गामा रेज या न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय फोटॉन्स हमने पढ़ना है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय फोटॉन्स हमारे पास क्या है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई बाय द बम्बारमेंट विद हाई एनर्जी फोटॉन्स इज कॉल्ड ट्रांसमुटेशन बाय फोटॉन्स और फोटो डिसइंटीग्रेशन। एक्चुअली में जो हमारे पास ट्रांसमुटेशन बाय फोटॉन्स होती है उसमें हमारे पास हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं जो कि फॉल करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई पर, और उनके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है, क्योंकि फोटॉन्स जो है वो मैसलेस होते हैं। आप सेकंड इसको लाइट एनर्जी रेडिएशन भी कह सकते हैं, लाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि फोटॉन इज अ मैसलेस, ओनली लाइट जो है वो हम उसके ऊपर फॉल करवाते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं जो फोटॉन्स फॉल करवाने से या हाई एनर्जी फोटॉन्स फॉल करवाने के मौजूदगी में हों, उनको हम कहते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस। और द फोटोन कैन ओनली सप्लाई इट्स काइनेटिक एनर्जी टू टारगेट न्यूक्लियस, जो फोटोन जब हम फॉल करवाते हैं वो ओनली काइनेटिक एनर्जी को टारगेट न्यूक्लियस को कन्वर्ट करता है देता है, ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज फोटोन इज मैसलेस, क्योंकि फोटोन जो है वो मैसलेस होते हैं, इसलिए वो ओनली काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस है न्यूक्लियाई है उसको प्रोवाइड करते हैं। दिस काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी एट लीस्ट एज ग्रेट एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होनी चाहिए या तो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल या उससे एज ग्रेट एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस या उसके ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर। नेक्स्ट हमारे पास इसी को देखते हैं, द फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक हैविंग थ्रेशहोल्ड एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि जो हमारे पास फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होते हैं उसमें वो एक्चुअली में हमारे पास एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। आपने लास्ट लेक्चर्स में एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास क्यू की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, यानी कि उसकी नेगेटिव वैल्यूज होती है, और उसके लिए एक एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है, और इसमें जो हैविंग जो है फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होंगे उसमें जो हमारे पास थ्रेशहोल्ड एनर्जी की वैल्यू होगी वो
10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होगी, ठीक है, फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस में। यहाँ पे एक्सेप्शन इसकी क्या है, देर आर टू एक्सेप्शन फॉर विच फोटो इंटीग्रेशन डज नॉट अकर विद गैमा रेज फ्रॉम नेचुरल रेडियो सब्सटेंसेस। अब इसकी एक्सेप्शन ये है, इसका मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ग्रिफ इसकी, या इस तरह से कोई भी इसका मीनिंग, इस तरह से इस्तना कोई भी इस तरह से मीनिंग इसका ले सकते हैं कि जिसमें फोटो इंटीग्रेशन रिएक्शन जो है वो अकर नहीं करते गैमा रेज के फॉर्म में। एक्चुअली में यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फोटो का मतलब आप फोटो फॉल करवा रहे हैं, गैमा रेज को फॉल करवाते हैं। दीज एक्सेप्शंस आर कॉल्ड ड्यूट्रॉन। अब इन एक्सेप्शंस को हम कहते हैं ड्यूट्रॉन, विच हैज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ओनली 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड न्यूक्लाइड ब्रिलियम, जिसका 9 जो है एटॉमिक मास है, 4 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, इन विच 1 न्यूट्रॉन इज लूजली बाउंड, इनमें उसका 1 न्यूट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होता है। अब इसके यूजेस नेक्स्ट देखते हैं कि यूजेस इसके क्या है। द फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर पार्टिकल्स, कि जो आपके पास रिएक्शंस में प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स आते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आपको पता है फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन में ओनली काइनेटिक एनर्जी ही वो प्रोवाइड करता है, जो कि इक्वेलेंट टू बाइंडिंग एनर्जी होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द थ्रेश होल्ड एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन, कि जो थ्रेश होल्ड एनर्जी होगी वो इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन्स होगी। ये आपके पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है ये जनरल रिएक्शंस की दी गई है, कि आपके पास अगर गैमा है यानी कि हाई एनर्जी फोटोन है जिसको आप ड्यूट्रॉन के साथ जो है वो रिएक्शंस करवा रहे हैं, ड्यूट्रॉन यहाँ पे आपके पास टारगेट मटीरियल न्यूक्लियस है, तो आपके पास आफ्टर ब्रेक डाउन यानी कि जब ये इसे टकराएगा फॉल करेगा तो इनकी बम्बार्डमेंट के बाद वो चेंज हो जाएगा यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होंगे। फर्दर इसकी एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन से डिफरेंट टाइप से जो है वो हम इसको और क्लियर करते हैं कि ये रिएक्शंस जो है वो किस तरह से इनका यूज करते हैं या किस तरह से ये चेंज होते हैं एक रिएक्शन से, एक जो आपके पास न्यूक्लियस है उससे अदर न्यूक्लियस में किस तरह से चेंज होते हैं। द गैमा रेज ऑफ 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लिथियम इज बम्बार्डमेंट विद प्रोटॉन्स। अब 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो गैमा रेज की जो है वो प्रोड्यूस होती है कब, जब लिथियम बम्बार्डमेंट करवाता है विद प्रोटॉन्स। अब आपको पता है लिथियम इसका एटॉमिक मास, और अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है उसकी बम्बार्डमेंट विद प्रोटॉन्स जब करवाई जाती है तो गैमा रेज जो है जो आपके पास आती है गैमा रेज उसकी 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी होती है। दीज गैमा रेज आर सक्सेसफुली यूज्ड टू प्रोड्यूस फोटो डिसइंटीग्रेशन ऑफ दोस ऑफ अदर न्यूक्लाइड सच एज। अब इस जो गैमा रेज है जो यहाँ से हमारे पास प्रोड्यूस होंगी, जो लिथियम की बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी विद प्रोटॉन्स, वहां से जो गैमा रेज आपके पास आएंगी उनकी 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। अब उन गैमा रेज को हम यूज करेंगे फर्दर यानी कि वो आपके पास फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस में यूज करेंगे ऑफ अदर न्यूक्लाइड सच एज, दूसरे न्यूक्लाइड जो है उनके फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस करवाने के लिए, सच एज गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शंस। अब ये गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शन, इस तरह से जब भी आपके पास कोई रिएक्शंस लिखा गया है तो जो फर्स्ट आपके पास डिजिट यहाँ पे आप कह सकते हैं रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट का नेम या रिएक्शंस का नेम जो फॉल आप करवा रहे हैं उसका लिखा गया है, पार्टिकल्स का नेम या रेडिएशन का, तो वो आपके उसका मतलब है कि जो फर्स्ट पे लिखा है उसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं और जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो आपको आफ्टर रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप गैमा रेज का रिएक्शन करवाएंगे और न्यूट्रॉन आपको आफ्टर रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा। सेकंड आपको इस तरह से भी कह सकते हैं, जो हमने शॉर्टकट फॉर्म लिखी थी जब हमने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें हमने शॉर्ट वे में हमने लिखा था यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और यहाँ पे आप लिखते थे आउटगोइंग पार्टिकल जो आपको मिलता था, ठीक है। तो ये आपके पास आउटगोइंग यानी कि ये बनेगा और ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जिसके साथ आप रिएक्शंस करवा रहे हैं, इस तरह से ये गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शंस होंगे। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपके पास गैमा रेज है जिसको आपने फॉल करवाना है और आपके पास टारगेट न्यूक्लियस क्या है, फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 31 है एंड एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 15 हैं एंड जो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे वो आपके पास 16 होंगे,
ठीक है 31 है, तो इसमें से 15 माइनस कर दें तो आपके पास, क्योंकि जो आपके पास एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं प्लस गामा रेज के साथ आप जब रिएक्शन करवाया तो गामा रेज हाई एनर्जी रेज थी, तो इन की एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी ये होगी कि ये जो आपके पास फास्फोरस है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट में किस तरह चला जाएगा, इसमें भी यहाँ पे रिएक्शन होते हैं कि आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी स्टेट्स होती हैं हर न्यूक्लियस में, तो वो जो एनर्जी शेल्स पे डिपेंड करते हैं कि किस शेल में जो है वो कितनी एनर्जी का न्यूक्लियस जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ वहाँ पे इतनी एनर्जी का जो न्यूक्लियस है वहाँ पे होगा, तो वो के एल एम एन शेल्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग जो एनर्जी की वैल्यूज होती हैं जो आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसी स्टेट में वो जो है वो जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोड्यूस होगा, वहीं पे वो स्टे करेगा। अब यह गामा रेज की आपने फॉल करवाई है, फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाया है तो हाई एनर्जी उसने ली है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर जो है वो आपका न्यूक्लियस जो है वो पार्टिकल स्टे नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे उसके स्टे का टाइम जो है वो काफ़ी वेरी शॉर्ट है, 10^-8 सेकेंड होता है, वो 10^-8 सेकेंड के बाद जब वो डिके करेगा यानी कि वापस जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, जब ग्राउंड स्टेट में आएगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी थी वो एक न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक आपके पास न्यूट्रॉन यहाँ पे बनेगा आउटगोइंग पार्टिकल्स, और सेकंड आपके पास जो फास्फोरस 30 और 15 का जो है वो आपके पास एक न्यू जो है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा। तो इस तरह से ये वाले जो रिएक्शंस होंगे ये फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस भी आप इनको कहते हैं, जिसमें आप गामा रेज को फॉल करवा के जो है वो एक न्यूट्रॉन आपको मिलता है और सेकेंड में आपको न्यूक्लियाई मिलता है, यानी कि आप एक टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल्स करवाएं, बम्बार्डमेंट करवाएं और वो ब्रेक डाउन हो जाए एक अदर न्यूक्लाई में प्लस एक न्यूट्रॉन आपको मिले, तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे वो फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन होंगे। द गामा प्रोटोन न्यूक्लियर रिएक्शन रिक्वायर स्टिल हायर एनर्जीज। अब ये गामा न्यूट्रॉन रिएक्शन हमने पढ़ा है, अगर गामा प्रोटोन न्यूक्लियर रिएक्शन हों रिक्वायर स्टिल हायर एनर्जीज एंड कैन बी ऑब्जर्व विद हाई एनर्जी फोटोन्स फ्रॉम बीटाट्रॉन। अब इस तरह के जो रिएक्शन होंगे गामा प्रोटोन न्यूक्लियर रिएक्शंस उनके लिए भी हायर एनर्जीज रिक्वायर्ड होंगी, और वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बीटाट्रॉन में हाई एनर्जी फोटॉन्स के साथ। अब बीटाट्रॉन क्या है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजिक्स 1 में कि बीटाट्रॉन एक एक्सीलेटर होता है, साइक्लिक पार्टिकल होता है एक्सीलेटर, तो ये ट्रांसफॉर्म करता है विद इसकी एक वैक्यूम ट्यूब टाइप शेप होती है ट्रांसफॉर्म टाइप, ठीक है, तो उसमें इस तरह के जो है वो रिएक्शंस हम करते हैं प्रैक्टिकली, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं फॉल करवा के। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें कि आपके पास गामा रेज इन्वॉल्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शंस गिवन बिलो हैव एनर्जीज अबाउट 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि ये वाले जो दो रिएक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं इनमें जो गामा रेज इन्वॉल्व होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में उनकी एनर्जी बिलो 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी कि 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर नहीं होगी, बिलो होगी, तो देन हमारे पास ये रिएक्शंस आएंगे। अब यहाँ पे रिएक्शन में देखें कि आपके पास एलुमिनियम है जिसका एटॉमिक मास 27 है और एटॉमिक नंबर 13 है, आप गामा रेज के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि आपके पास टारगेट जो न्यूक्लियस है वो एलुमिनियम है और आपके पास जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई है वो आपके पास गामा रेज है, तो जब इसके साथ हाई एनर्जी के साथ आप करवाएंगे तो इसमें इसी तरह से होगा कि जो आपका पार्टिकल है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा टारगेट न्यूक्लियस, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब वो डिके करेगा यानी कि आप ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसका जो एटॉमिक मास है वो 2 जो है वो लेस हो जाएगा और आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो भी 2 लेस हो गया, तो वो आपके पास नेक्स्ट सोडियम का सोडियम जो है वो न्यू एक आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास 25 होगा, लेकिन इसके साथ साथ वो 2 आपको प्रोटॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इसको आप 2H11 भी लिख सकते हैं और सेपरेटली भी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और सेकेंड आप इसी की एग्जाम्पल है कि अगर और ज्यादा आपके पास ये हाई एनर्जी है ये 25 सोडियम के साथ एटॉमिक मास के साथ बना है, अगर 24 का आपको प्रोड्यूस हो तो वो 2 प्रोटॉन्स के साथ साथ एक न्यूट्रॉन्स भी आपको आफ्टर रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होके मिलेगा, यानी कि आप इस फर्स्ट वाले को कह सकते हैं गामा प्रोटॉन 2P रिएक्शन, कि जिसमें आपके पास गामा प्लस, यानी कि इसको आप इस तरह से राइट अप भी कर सकते हैं,
गैमा एंड यहाँ पे कोमा लिख के 2p भी लिख सकते हैं कि दो प्रोटॉन्स आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो। अब नीचे वाला रिएक्शन देखिए, इसमें दो प्रोटॉन्स 2p प्लस न्यूट्रॉन भी आ रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और साथ में आपने गामा रेज का जो है वो रिएक्शन करवाया। तो ये इस तरह से आप इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, डिफरेंट नेम्स भी दे सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट अब हमारे पास है गामा न्यूट्रॉन फोटो रिएक्शंस या फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस भी आप कह सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस आर गामा न्यूट्रॉन फोटो रिएक्शंस। अब इसमें आपके पास क्या है कि गामा आपके पास है, ठीक है, उसका आपने किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के साथ जो है वो रिएक्शन करवाना है एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ। तो जब आप गामा रेज का करवाएंगे तो आपको पता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो आपको एक न्यूट्रॉन मिलना चाहिए। अब फोटो गामा न्यूट्रॉन फोटो रिएक्शन है तो एक न्यूट्रॉन लाजमी बनेगा। अब जब न्यूट्रॉन बनेगा तो आपको पता है ये इक्वेशन 1 आपके पास 2 था, ठीक है, जब वो दूसरे में जाएगा एक आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रह जाएगा और एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ जब हाई एनर्जी गामा पार्टिकल्स का आप रिएक्शन करते हैं, फोटो रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास इस तरह से ये प्रोडक्ट में आपके पास जो न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनता है वो हाइड्रोजन बनता है, यानी कि एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बनता है। इसी तरह से जब ब्रिलियम का आप हाइड्रोजन गामा रेज के साथ करवाते हैं फोटो रिएक्शन करवाते हैं ब्रिलियम के साथ, टारगेट न्यूक्लियस आपके पास यहाँ पे ब्रिलियम है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 9 है एंड एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है। तो हाई एनर्जी गामा रेज जब आप इस पे फॉल करवाएंगे तो ये क्या करेगा कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहां पे उसका स्टे का टाइम जो है वो 10^-8 सेकेंड है। आफ्टर स्टे वो जो है ग्राउंड स्टे में वापिस आएगा जब, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। तो वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1 आपको न्यूट्रॉन मिलेगा एंड 8 एटॉमिक मास नंबर प्लस 4 उसका जो एटॉमिक नंबर है आपको ब्रिलियम मिलेगा, यानी कि एक यहाँ से आपका एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन में शिफ्ट हो जाएगा, एक आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो थर्ड एग्जाम्पल इसकी देखें तो फास्फोरस है, फास्फोरस का भी एटॉमिक मास जो है वो 31 एटॉमिक नंबर 15। इसका जब गामा रेज के साथ करवाते हैं तो ये भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। आफ्टर एक्साइटेड स्टेट जो है जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा डिके करेगा तो वो एक न्यूट्रॉन को जो है वो इमिट करेगा, यानी कि एक आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल न्यूट्रॉन बनेगा प्लस टारगेट न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस आपके पास जो है वो फास्फोरस बनेगा जिसका एटॉमिक मास जो है वो 30 एंड 15 एटॉमिक नंबर होगा। सेकंड आप इन इक्वेशंस को देख सकते हैं कि आप इनको बैलेंस भी कर सकते हैं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पार्टिकल जो है वो मटेरियल्स का नेम चेंज नहीं हो रहा, उसके एटॉमिक मास पर इफेक्ट हो रहा है, यानी कि आइसोटोप में चेंज हो रहा है। एक एक नंबर ने एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूट्रॉन पर एटॉमिक मास जो है वो 1 न्यूट्रॉन है, ठीक है, और जीरो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो 1 न्यूट्रॉन। तो बाकी यहाँ पे आप देखें कि इक्वेशंस भी दोनों साइड्स पे जो है वो बैलेंस्ड है। यहाँ पे 1 1 2 है और आपके पास प्रोटॉन नंबर 1 है और एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 और नीचे आपके पास यहाँ पे भी 1। इसी तरह से 9 और 4 है तो 8 और 1 9 एंड नीचे 4 आपके पास। इसी तरह से 31 था, 30 आपके पास और 1 न्यूट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और नीचे जो है आपके पास एटॉमिक नंबर यानी के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 हो। एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे गामा प्रोटॉन फोटो रिएक्शंस हैं आपके पास। तो गामा प्रोटॉन फोटो रिएक्शंस में आप देखें मैग्नीशियम आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 25 है एंड एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 12 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 13। जब गामा रेज इस पे फॉल की जाएंगी, फोटो रिएक्शंस करवाया जाएगा तो ये एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है। ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। ये स्टार जो है वो डिनोट करता है एक्साइटेड स्टेट को। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये जब डिके करेगा एंड बैक करेगा ग्राउंड स्टेट में तो इसका एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास जो है वो 1 जो है वो प्रोटॉन आपको यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये 1 कम हो जाएगा जो कि आपके पास सोडियम का होता है एटॉमिक मास 24 एंड इसका आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन गामा प्रोटॉन रिएक्शन है।
ये आपके पास है गैमा प्रोटॉन फोटो रिएक्शन। नेक्स्ट देखे गैमा टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोटो रिएक्शन, यानी कि टू आपके पास इसमें प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे एंड वन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा जब आप फोटोन को फॉल करवाएंगे एल्यूमिनियम यानी कि टारगेट न्यूक्लियस पर। तो यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस है वो एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक मास 27 एंड एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। तो जब आप फोटोन को इस पर फॉल करवाते हैं टारगेट न्यूक्लियस पर एल्यूमिनियम पर, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। आफ्टर एक्साइटेड स्टेट जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे और एक आपके पास न्यूट्रॉन बनेगा। सेकंड आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप इसको इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 2H11 आपके पास दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनको आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, H11 प्लस H11 प्लस 0N1 यानी कि एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास आ रहे हैं और साथ में आपके पास न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस आप इसको कह सकते हैं वो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है। एटॉमिक मास 24 है यहाँ पे, टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्योंकि टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टू प्रोटॉन है, 24 एंड प्लस 2 26 एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसका 1 आपके पास आ जाएगा, तो ये 27 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से जो है 11 यहाँ पे भी 2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 आपके पास प्रोटॉन बन रहे हैं, तो 11 प्लस 2 13 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास गैमा 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फोटो रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन, मतलब 4 टाइप्स हमने पढ़नी थी ट्रांसमुटेशन की, न्यूक्लियर रिएक्शन की, जिसमें फर्स्ट हमारे पास ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स एंड सेकंड अब हमारे पास है ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स। इसको हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं, कुकरॉफ्ट एंड वेल्टन, इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई थी लिथियम के साथ, लिथियम की विद प्रोटॉन्स के साथ हैविंग एनर्जी ऑफ 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि लिथियम की प्रोटॉन्स के साथ जब बम्बार्डमेंट करवाई प्रोटॉन की लिथियम के साथ, तो उसकी रेंज जो थी एनर्जी की प्रोटॉन्स की 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी उनके पास। द सेंटिलेशंस कास्ट बाय पार्टिकल्स इजेक्टेड फ्रॉम लिथियम वर ऑब्जर्व्ड ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन प्लेस्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। तो अब इस प्रैक्टिकल को जब उन्होंने ये करवाया, तो किस तरह से उन्होंने इसकी सारी जो है ऑब्जर्वेशंस किस तरह से की कि कोई लाइट जो है वो फॉल करती है एक स्क्रीन पे, तो वो स्क्रीन जो है वो ग्लो करती है, वो जो स्क्रीन है वो जिंक सल्फाइड की थी, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस पे उन्होंने इसको मतलब प्लेस किया हुआ था। तो जब उन्होंने रिएक्शंस करवाया लिथियम के साथ पार्टिकल्स बाय पार्टिकल्स इजेक्टेड फ्रॉम लिथियम, लिथियम से फिर कौन से पार्टिकल जो है वो इजेक्ट हुए, तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की जिसमें हमारे पास ये प्रोटॉन प्लस लिथियम का जो रिएक्शंस है वो बनता है। द एमिटेड पार्टिकल्स आर आइडेंटिफाइड एज अल्फा पार्टिकल्स थ्रू देयर ट्रैक्स इन अ कोल्ड चैम्बर। अब जो पार्टिकल्स उससे इमिट होते हैं, अब हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स आपके पास आफ्टर रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, गैमा पार्टिकल्स हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं। तो वो एक इसका एक सबसे जो स्पेसिफिक एक मेथड जो है वो क्लाउड चैम्बर का है, जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं पार्टिकल्स की, जो इमिटेड पार्टिकल्स आते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से पार्टिकल्स हैं। तो इन्होंने भी जब ये एक्सपेरिमेंट किया लिथियम और प्रोटॉन्स का, आफ्टर रिएक्शन जो उनके पास पार्टिकल्स आए उनको आइडेंटिफाई किया उन्होंने क्लाउड चैम्बर के थ्रू, क्योंकि क्लाउड चैम्बर की मदद से हम जो है वो जो आपके पास आयोनाइजेशन है रेडिएशन होती हैं जो पार्टिकल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम। द न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन लिथियम इज बम्बार्डेड विद प्रोटॉन इज गिवन एज, जैसा कि पढ़ा कि सबसे पहले जो है वो लिथियम के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसका बम्बार्डमेंट करवा के प्रोटॉन की न्यूक्लियर रिएक्शन से ये जो है, तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन है आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1, एटॉमिक मास जो है वो 1, प्लस लिथियम जिसका एटॉमिक मास जो है आपके पास 7 है और एटॉमिक नंबर 3 यानी कि चार्ज नंबर आपके पास 3 है।
इसको जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, बम्बारमेंट करवाते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट, जो न्यूक्लियस बनता है हमारे पास, कंपाउंड न्यूक्लियस जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, वो बनता है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक मास क्या है, 8, और एटॉमिक नंबर जो है वो 4। जैसा कि अभी हमने जनरल रिएक्शंस में पढ़ा कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ए प्लस वन हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास था टारगेट न्यूक्लियर लिथियम ए प्लस वन, यानी कि यहाँ आपके पास 7 है, इसमें प्लस ऐड हो जाएगा, तो आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस आएगा उसमें एक ऐड हो जाएगा। इसी तरह से चार्ज नंबर में भी यहाँ पे 3 था और इसमें हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा। और जब ये कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा, तो ये क्या करेगा, दो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास बना देगा हीलियम के, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 4 एंड एटॉमिक नंबर जो है 2 है। और वैसे आप रिएक्शन अगर इक्वेशन बैलेंस करें तो यहाँ पे 7 प्लस 1 8 और 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे आप देखें 4 प्लस 4 8 एंड 2 प्लस 2 8 4। इस तरह से ये जो हमारी इक्वेशन है वो भी बैलेंस्ड है, और हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है उसकी भी हमने एग्जाम्पल जो है वो स्टडी की। सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन बाय प्रोटोन एज आर एज अंडर। अब सम इसकी और फर्दर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन की, जो प्रोटोन्स के थ्रू होती है, उसको हम फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे देखें इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है, प्रोटोन की, यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन बाय प्रोटोन की, जिसमें फर्स्ट जो है अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोटोन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी कि इसमें हम यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हमने शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ी थी, यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसकी आप टारगेट न्यूक्लियस पर फॉल करवाते हैं, और यहाँ पे आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स होता है जो आपको आफ्टर रिएक्शन मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपके प्रोटॉन की बम्बारमेंट करवाएंगे और आपको अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होगा आफ्टर रिएक्शन। तो जनरल टाइप इसकी, जैसे अभी मैंने लास्ट में बताया था कि एक जनरल टाइप होगी जिसमें आपके पास यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, और आफ्टर कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होगा 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई में, तो यहाँ पे वो आपको अब जो प्रोटोन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन है उसकी जनरल टाइप हम देखते हैं। जनरल टाइप ऑफ प्रोटोन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन इज, ये आपके पास जो है वो प्रोटोन, नेक्स्ट इसकी प्रोटोन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शंस की जो है हम एग्जांपल्स देखते हैं कि जब हम प्रोटोन को फॉल करवाते हैं किसी भी टारगेट न्यूक्लियस पर, तो आफ्टर रिएक्शन हमें एक जो है वो अल्फा पार्टिकल मिलता है, तो इसमें किस तरह से हम रिएक्शन देखते हैं। द प्रोटोन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिटन एज व्हेन लिथियम इज बम्बार्डेड विद प्रोटोन। जब लिथियम हम प्रोटोन की बम्बारमेंट करवाते हैं लिथियम के साथ, तो देन हमें क्या रिएक्शन मिलता है, आपको बताया प्रोटोन में 1 एटॉमिक मास 1 एटॉमिक नंबर है आपके पास, इसकी जब बम्बारमेंट करवाएंगे हम लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये आपके पास लिथियम जो है उसका एटॉमिक मास आपके पास 7 है एंड एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 3 है। तो जब इसके साथ बम्बारमेंट होगी तो आपको जो है एक कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा। कंपाउंड न्यूक्लियस में हमने पढ़ा कि यहाँ पे भी आपके पास प्लस वन जनरल रिएक्शन इसकी फॉर्म पड़ी है, उसमें हमने बताया कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में आपके पास 1 यूनिट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से जो एटॉमिक मास है एटॉमिक नंबर है आपके पास, उसमें भी 1 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये एटॉमिक मास था जिसमें 1 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 8 हो जाएगा, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 एंड 7 प्लस 1, तो ये आपके पास जो न्यू कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा वो आपके पास ब्रिलियम बनेगा, जिसका क्या एटॉमिक मास जो है वो 8 है एंड एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है। अब ये क्या होगा, ये अनस्टेबल है, ठीक है, वेरी अनस्टेबल है, तो फिर ये क्या करेगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट्स हो जाएगा इंटू 2 अल्फा पार्टिकल्स में, बिकॉज इन रिएक्शन में हमें एक तो अल्फा पार्टिकल्स मिलता है, जो दूसरा है वो हमारे पास डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो बचते हैं, जिसका जो सेकंड पार्टिकल अल्फा बनने के बाद जो बचता है वो हमारे पास होता है, वो भी हीलियम ही बनता है, क्योंकि जो अदर हमारे पास रह जाता है इक्वेशन, अगर हम बैलेंस देखें तो यहाँ पे 7 प्लस 1 8 3 प्लस 1 4, तो ये 8 और 4 को हमने यहाँ पे बैलेंस करना है, तो 4 हमारे पास अल्फा पार्टिकल हीलियम का यानी कि एटॉमिक मास होता है, और 2 उसका एटॉमिक नंबर, तो 4 एंड 2 ले तो हमारे पास 4 एंड 2 ही रिमेनिंग बचते हैं, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है हमारे पास प्रोटोन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं। वेयर अल्फा पार्टिकल्स हैव एनर्जी ऑफ सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट अल्फा पार्टिकल, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट अल्फा पार्टिकल बनेगा उसकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोटोन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जाम्पल है। इसकी फर्दर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं।
द प्रोटोन एल्फा रिएक्शन इज रिटन एज व्हेन फ्लोरीन इज बॉम्बार्डेड विद प्रोटोन, यानी कि डिफरेंट जो है वो हम इसके देख रहे हैं टारगेट न्यूक्लियस के साथ के हमें आफ्टर रिएक्शन जो है वो किस तरह से क्या मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फ्लोरीन के साथ हम बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल इस तरह से भी आ सकता है कि प्रोटोन एल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जाम्पल लिखें आप व्हेन फ्लोरीन इज बॉम्बार्डेड विद प्रोटोन, कि जस्ट आपको ये हेडिंग दे दी जाए कि फ्लोरीन इज बॉम्बार्डेड विद प्रोटॉन। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन जो आपके पास है उसका एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। तो जब ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आफ्टर रिएक्शन आपको पता है वन आपका इंक्रीज करेगा एटॉमिक मास टारगेट न्यूक्लियस से, ठीक है, और वन ही आपका जो चार्ज नंबर है एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा। तो ये जब आपके पास प्रोटॉन जो है वो रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ यानी कि टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे प्रोटोन की, तो आपको ये जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा नियोन, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 20 एंड एटॉमिक नंबर जो है वो 10 होगा। अब ये क्या करेगा, फर्दर टू जो है वो पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक टू हो जाएगा। तो वो आपके पास जो मिलेगा, एक तो आपको अल्फा पार्टिकल मिलेगा हीलियम, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस मिलेगा, और सेकेंड आपको यहाँ पे जो है यानी कि ये आप 420 में से -4 कर देंगे 16, तो 16 आपको पता है एटॉमिक मास जो है वो ऑक्सीजन का होता है। इसी तरह से ये 10 -2 कर देंगे तो आपके पास 8 आएगा, और 8 आपको पता है कि वो ऑक्सीजन का होता है। इस तरह से जो आपको अदर प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑक्सीजन। द अल्फा पार्टिकल द प्रोटोन एल्फा रिएक्शन इज रिटन एज व्हेन ब्रोन इज बॉम्बार्डेड विद प्रोटोन। अब जब ब्रोन बॉम्बार्डेड करेंगे हम प्रोटीन के साथ तो फिर हमें किस तरह से ये रिएक्शन जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि इसका 11 है ब्रोन का एटॉमिक मास जो है वो इसका 11 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। अब जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है 1-1 इंक्रीज हो जाएगा, जो आपके पास न्यू कंपाउंड न्यूक्लियस आएगा। अब ये 11+1 12 हो जाएगा, 5+1 6 हो जाएगा, और ये तो बहुत कॉमन है। आपको पता है कि 5+6 जो है और 12 एटॉमिक मास वाला प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है वो कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन का हमें पता है कि एटॉमिक मास जो है वो 12 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। इस तरह से इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा वो हमारे पास होगा कार्बन C12+6। अब ये क्या होगा, ये फर्दर दो जो है वो पार्टिकल्स में फिर से स्प्लिट हो जाएगा, जिसमें आपके पास एक अल्फा पार्टिकल आएगा और सेकंड आपके पास ब्रिलियम आएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का 4 एटॉमिक मास आप माइनस कर दें 12 में से तो आपके पास 8 आता है, तो 8 जो है वो ब्रिलियम का एटॉमिक मास होता है। और इसी तरह से 2 इसमें आ गया तो 6 आपके पास होना चाहिए और 4 ब्रिलियम का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं प्रोटॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शंस की, वेयर इज हाईली अनस्टेबल एंड ब्रेक्स अप इंटू 2 मोर अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे ब्रिलियम जो है वो हमारे पास हाईली अनस्टेबल है, जैसे कि अभी प्रीवियस हमने एग्जांपल में देखा था कि जो ब्रिलियम है वो अनस्टेबल है, वो क्या होगा ब्रेक्स हो जाएगा 2 मोर अल्फा पार्टिकल्स में। तो यही फर्दर अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन आया है इसको फर्दर हम प्रोसीड कर सकते हैं कि जो ब्रिलियम है वो हमारे पास अनस्टेबल है, तो वो फर्दर जो है वो 2 अल्फा पार्टिकल्स में सप्लिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये 2 अल्फा पार्टिकल्स मिल जाएंगे और इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी आपके पास 4 4 8 एंड 2 2 4। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द बॉम्बार्डमेंट इज 3 अल्फा पार्टिकल्स। अब फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या था, अब यहाँ पे ये देखिए सिर्फ ब्रिलियम को हमने ब्रेक डाउन किया लेकिन यहाँ पे आपको एक अल्फा पार्टिकल भी मिल रहा था, ठीक है, ये आपके पास क्या है एक अल्फा पार्टिकल भी है, लेकिन सिर्फ ब्रिलियम जो है वो अनस्टेबल है, उसको फर्दर हम 2 पार्टिकल्स में वो जो है वो सप्लिट हो जाएगा। तो इस तरह से 1 और ये 2, 3 आपको अल्फा पार्टिकल जो है वो इस इन रिएक्शन में मिलेंगे, जो फाइनल रिजल्ट होगा बॉम्बार्डमेंट का प्रोटॉन का, ठीक है, उसमें आपको 3 अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे इस रिएक्शन में मिलेंगे। ये आप इसको जो है वो कंबाइन इक्वेशन लिख सकते हैं कि ब्रोन का आपने रिएक्शन करवाना है जब हाइड्रोजन के साथ यानी कि प्रोटॉन के साथ, तो आपको 3 अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे। ये आपने जो 3 स्टेप्स में लिखा है इसको कंबाइन एक इक्वेशन में लिख सकते हैं कि इस तरह से 3 अल्फा पार्टिकल्स आपको मिलते हैं। द रिएक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल पार्टिकल प्रोडक्शन। अब इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इसको मल्टीपल पार्टिकल प्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एक या एक से ज्यादा हमें पार्टिकल्स मिले तो आप उसको मल्टीपल का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो रिएक्शन है जिसमें एक ही आपको पार्टिकल्स डिफरेंट मतलब अमाउंट जो है उनकी ज्यादा मिल रही है रिएक्शन में, तो आप उसको मल्टीपल पार्टिकल प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल जो है वो प्रोडक्ट बनती है उनकी। तो नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी हमारे पास जो है न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन बाय प्रोटॉन की है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि इसमें हम प्रोटॉन को
यानी कि एज इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस पर फॉल करवाएंगे, तो आफ्टर रिएक्शन हमें जो है वो वन प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन मिलेगा. ठीक है, द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन व्हेन प्रोटॉन इज बम्बार्डेड ऑन टारगेट न्यूक्लियस. के जब हम प्रोटॉन को बम्बार्ड करवाते हैं टारगेट न्यूक्लियस पर, द रिजल्ट गिव्स वन ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल एज एन न्यूट्रॉन. के जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसमें हमारे पास एक जो है वो न्यूट्रॉन बनता है. द प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक बिकॉज क्यू इज यूजली नेगेटिव. अब इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन को जो है वो डिस्कस किया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं कम्प्लीटली इन डिटेल्स में. यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं कि हमारे पास जो एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस थे उसमें हमने कहा कि हमारे पास जो है वो एक थ्रेशहोल्ड एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, जिसमें क्योंकि इसकी जो वैल्यू है क्योंकि वो नेगेटिव होती है, लेस देन जीरो होती है. द जनरल टाइप ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन इज. अब इसकी जनरल टाइप क्या है कि आप किसी प्रोटॉन को फॉल करवा रहे हैं किसके साथ, टारगेट न्यूक्लियस के साथ. जब ये रिएक्शन करेंगे इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो ये क्या होगा, जो आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस आएगा उसमें वन जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक मास में वन ऐड हो जाएगा. और जो इसी तरह से इसका एटॉमिक जो चार्ज नंबर है उसमें भी वन क्या होगा, ऐड हो जाएगा. तो ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ये फर्दर जो है वो स्प्लिट होगा इंटू टू प्रोडक्ट्स में, जिसमें आपको वन जो है इसके नेम से क्लियर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन है, वन आपको न्यूट्रॉन मिलेगा और सेकेंड आपको कोई और फर्दर जो है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो आपके पास इसमें प्लस वन ऐड हो रहा था वो न्यूट्रॉन में चला गया एटॉमिक मास. ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन भी इसके साथ बैलेंस करनी. और ये जो चार्ज नंबर ऐड हो रहा था वो एज इट इज चार्ज नंबर ऐड होकर आपके पास आएगा. तो इस तरह से ये जो रिएक्शंस हैं इसको हम प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं. ये इसकी जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है, फर्दर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल्स इसके देखें कि ये प्रोटॉन है आपके पास जो बोरॉन के साथ जो है वो रिएक्शन कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन एंड बोरॉन जो है ये टारगेट न्यूक्लियस है, ये ब्रॉन जो है आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है, प्रोटॉन इस पे फॉल करेगा इंसिडेंट, तो इनका रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा मिलके कंपाउंड न्यूक्लियस बना देगा. एज कंपेयर टू जनरल फार्मूला कि हमारे पास ये जो एटॉमिक मास होता है ए उसमें वन क्या है ऐड हो जाएगा, आपके पास जो टारगेट न्यूक्लियस का है उसमें वन जो है वो ऐड हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए 11 था और वन ऐड हो जाएगा तो ये आपके पास आ गया 12. इसी तरह से जो एटॉमिक चार्ज नंबर है एटॉमिक नंबर यानी कि वो 5 है, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कंपाउंड न्यूक्लियस. अब ये फर्दर क्या होगा स्प्लिट होगा, टू पार्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक तो आपको न्यूट्रॉन मिलेगा. ठीक है, और सेकंड आपको आपको पता है कि C12 जो आपके पास कार्बन है इसके आइसोटोप्स होते हैं, तो जो हमें न्यू प्रोडक्ट में मिलेगा वो कार्बन का एक आइसोटोप यानी कि जिसका एटॉमिक मास जो है वो 11 है और एटॉमिक नंबर यानी कि चार्ज नंबर 6 है, वो आपको आफ्टर रिएक्शन जो है वो मिलेंगे. इसी तरह से इसकी सेकंड एग्जांपल देखें कि जब हम प्रोटॉन को एज अ टारगेट आपके पास ऑक्सीजन है उस पर फॉल करवाते हैं रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 9 है और एटॉमिक मास क्या है 19. इसमें भी आप देख रहे हैं ये 18 अगर इसका एटॉमिक मास है तो वन इसमें ऐड होकर आपको 19 एटॉमिक मास वाला जो है वो प्रोडक्ट कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा. अब ये क्या करेगा, ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगा दो पार्टिकल्स में, एक तो आपको न्यूट्रॉन मिलेगा जैसे हम न्यूट्रॉन की एग्जांपल प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शंस की एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको एक न्यूट्रॉन मिल गया. अब जो 19 था अब ये 1 आ गया आपके पास एटॉमिक मास, अब 18 वाला आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा. इसी तरह से फ्लोरीन के भी आइसोटोप्स, तो ये जो आपको फ्लोरीन का न्यू प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट न्यूक्लियस वो 18 एटॉमिक मास वाला एंड 9 उसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि ये इसमें एक ऐड होगा और इसका एस इट इज जो है वो आपके पास आ जाएगा 9. ठीक है, तो ये आपके पास जो होगा वो जो है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक लेस हो जाएगा क्योंकि एक वन जो है एटॉमिक मास जो है न्यूट्रॉन में चला गया एटॉमिक नंबर में. तो ये आपके पास इस तरह से ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपके पास है प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शंस. नेक्स्ट देखिए प्रोटॉन गैमा न्यूक्लियर रिएक्शन. इससे पहले हमने प्रोटॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े हैं और ये आपके पास थर्ड इसकी कैटेगरी आ गई फर्दर प्रोटॉन गैमा न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी कि आपके पास जो रिएक्शंस होंगे आप प्रोडक्ट को फॉल करवाएंगे जो प्रोटॉन होगा और आपको आफ्टर रिएक्शन जो है वो एक गैमा पार्टिकल मिलेगा. तो ये इस तरह के जो रिएक्शंस है इसको हम कहते हैं, तो इस तरह के ये जो रिएक्शंस होंगे उसको हम प्रोटॉन गैमा न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे. अब ये तो आपको नाम से जो है वो कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपने जो रिएक्शंस लिखने हैं वो आपके पास
हमने शॉर्ट फॉर्म देखी थी न्यूक्लियर रिएक्शंस की, कि हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं एक इंसिडेंट पार्टिकल को और आउटगोइंग पार्टिकल्स को। तो ये यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक तो हमें गैमा पार्टिकल मिलेगा और दूसरा प्रोटॉन को फॉल करवाएंगे किसी भी टारगेट न्यूक्लियस पर। अब इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच बॉम्बार्डिंग प्रोटॉन इज सिंपली कैप्चर्ड बाय अ टारगेट न्यूक्लियस एंड जनरेटेड कंपाउंड न्यूक्लियस इज अनस्टेबल विच बिकम्स लेस अनस्टेबल बाय एमिटिंग गैमा रे फोटॉन रादर देन अ न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन गैमा न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये सारी लाइन का ये मतलब है कि ये जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें हम सिंपली प्रोटॉन को बम्बारमेंट करवाते हैं किसी भी टारगेट न्यूक्लियस पर। अब वो टारगेट न्यूक्लियस क्या करता है, उस प्रोटॉन को कैप्चर करता है और देन एक न्यू आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस आता है। अब वो न्यू जो कंपाउंड न्यूक्लियस आपके पास आता है वो अनस्टेबल होता है। अब उसको कम स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, वो फर्दर जो है वो इमिट करता है एक गैमा रे फोटोन, ना के न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं जिसमें गैमा रे फोटोन जो है वो इमिट होता है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन गैमा न्यूक्लियर रिएक्शंस। द जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन इज, अब इसकी जनरल टाइप देखते हैं देन फर्दर इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी जनरल टाइप सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस देखी है कि आप प्रोटॉन को फॉल करवा रहे हैं कोई भी टारगेट न्यूक्लियस, यहाँ पे जनरल फॉर्म में हम एक्स से डिनोट करते हैं जो आपके पास टारगेट न्यूक्लियस होता है। तो इसकी जनरल टाइप में आप ये देख सकते हैं कि जब प्रोटॉन जो है इस पर फॉल कर रहा है टारगेट न्यूक्लियस पर तो आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस में क्या है, वन यूनिट जो है वो इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक मास में एंड चार्ज नंबर में यानी कि एटॉमिक नंबर में। तो ये सी एन आपको बताया डिनोट फॉर कंपाउंड न्यूक्लियस के जो आपके पास आफ्टर रिएक्शन जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। अब ये कंपाउंड न्यूक्लियस फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन होगा, तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो आपके पास एक अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा रेज प्रोटॉन जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन जो आपके पास न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा उसमें वन इंक्रीमेंट इंक्रीज ही रहेगा वन यूनिट एटॉमिक मास में एंड वन प्रोटॉन में, यानी कि एज इट इज ही रहेगा जो आपके पास आएगा ये जो है इसमें वन वन इंक्रीज करके, लेकिन आपके पास प्रोटॉन रेज आपको पता है ये मैसलेस है, ये एनर्जेटिक होती है हाईली एनर्जेटिक, तो ये रेज होती है प्रोटॉन होता है ठीक है ये आपको मिलेगा साथ में, लेकिन वो पार्टिकल भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से इसकी फर्दर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में देखें कि प्रोटॉन को आप जब टारगेट न्यूक्लियस, यहाँ पे आपके पास क्या है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक मास जो है वो 27 है एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है, इस पर फॉल करवाते हैं तो एल्यूमिनियम के साथ करेगा तो आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा वो आपके पास सिलिकॉन बनेगा ठीक है, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 28 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 14। आफ्टर सिलिकॉन जो है वो भी स्प्लिट होगा तो आपको एक तो गैमा रे होंगे लेकिन इसका जो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा, हमने कहा कि ये A1 वन इंक्रीज होकर यहाँ पे आपके पास आएगा, लेकिन जब आपके पास आफ्टर ब्रेक डाउन जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस तो जो रिएक्शन मिलेंगे उसमें आपको एक गैमा रे फोटोन मिलेगा और साथ में आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरह से जब ये कार्बन के साथ आप करवाएंगे तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा आपके पास इंक्रीमेंट, आपके पास बनेगा नाइट्रोजन ठीक है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 13 एंड 7। नाइट्रोजन जब स्प्लिट होगा तो आपको नाइट्रोजन का एक मिलेगा साथ में गैमा रे फोटोन भी मिलेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं ये फिर ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो आपको साथ में एक गैमा रेस मिलेंगे और साथ में आपको प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स थी। लास्ट में हमारे पास है प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। इससे पहले जो है हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन, प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन एंड प्रोटॉन गैमा रिएक्शन जो है वो डिस्कस किया। अब ये लास्ट हमारे पास है प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर। द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड when disintegration is caused by protons are called proton deuteron reactions ठीक है। तो ये हमारे पास proton deuteron reaction है जिसमें हम जब nuclear reactions करवाते हैं bombardment करवाते हैं proton के तो हमें after reaction जो है वो एक particle जो है वो deuteron मिलता है। अब इसकी example हम देखते हैं, simple example जो हमने previous भी की है अभी reaction में कि प्रोटॉन को हम फॉल करवाते हैं टारगेट न्यूक्लियस हमारे पास है लिथियम, लिथियम के साथ जब प्रोटॉन जो है वो रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो ब्रिलियम बनेगा जिसका एटॉमिक मास जो है वो 8 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है। अब वो ब्रिलियम क्या करेगा, वो अनस्टेबल है, वो स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्टिकल्स में, एक आपके पास ड्यूट्रॉन बनेगा यानी कि हाइड्रोजन का जो सेकेंड आइसोटोप है ड्यूट्रॉन, और प्लस आपके पास लिथियम बनेगा जिसका एटॉमिक मास जो है वो 6 है। इसी तरह से इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें प्रोटॉन जो है वो ब्रिलियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके पास ब्रोन बन रहा है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 10 है, यानी कि इसमें आपके पास ये सिंपल चेंज है यानी कि इसमें आपके पास ब्रिलियम बन रहा है ये ई नहीं आपके पास ये ब्रोन है, तो ब्रिलियम का जब इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास ब्रोन बन रहा है जिसका एटॉमिक मास जो 10 है और 5। जब ये इसके साथ बनेगा तो ये क्या होगा, आपके पास एक तो ड्यूट्रॉन बनेगा यानी कि आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का सेकंड,
टू उसमें एटॉमिक मास है उसका, और एक आपके पास जो है ब्रिलियम बनेगा। आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, 8 और 2 प्लस 10, 4 और 1 प्लस 5, ये 10 और आपके पास 5 था। इसी तरह से 9 प्लस 1 10 एंड 4 प्लस 1 5, तो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक चार्ज जो है वो इक्वेशंस के बोथ साइड्स पर जो है वो इक्वेशन है। अब ये हमने चार रिएक्शंस पढ़े हैं इससे रिलेटेड, यानी कि आज का जो हमारा आर्टिकल्स था ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटोन, ठीक है, वो हमने उसको डिस्कस किया। उससे पहले हमने ट्रांसमुटेशन बाय फोटोन जो है उसको डिस्कस किया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स एंड फोटोन्स विद एग्जाम्पल्स इन डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर एंड एनी रिएक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड हेयर इज द रेफरेंस बुक्स। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन सर्च इन दिस बुक्स एंड दिस टॉपिक सर्च इन दिस बुक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।